इस पेपर सीशेल लैंप को बनाने के लिए आपको ये मटेरियल्स चाहिए। अब हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इस टाइप का एक बर्तन लेंगे और न्यूज़पेपर को क्रम्बल करके टेप की मदद से इसके ऊपर चिपकाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैंने पहले से कर रखा है। ये ध्यान रखना है कि टेप से इसको पूरा कवर कर दीजिए ताकि जब हम ग्लू सॉल्यूशन इसके ऊपर लगाएंगे तो ये गीला ना हो और इसका शेप ना बिगड़े। इस तरीके से हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे सी शेल का शेप देने के लिए। अब हम इसके ऊपर न्यूज़पेपर को चिपकाएंगे। ग्लू सॉल्यूशन बनाने के लिए हम हाफ कप वाटर लेंगे एंड उसमें ऑलमोस्ट एक चम्मच ग्लू मिलाएंगे। हमारा ग्लू सॉल्यूशन तैयार हो गया है। अब हम इन न्यूज़पेपर स्ट्रिप्स को ग्लू सॉल्यूशन में डिप करके इसके ऊपर चिपका देंगे कुछ इस तरीके से। हर फिंगर के ऊपर पहले चिपकाएंगे, फिर बीच में चिपकाएंगे एंड देन इस पोर्शन को भी कवर कर देंगे। अब हम इसे 2 या 3 दिन के लिए सूखने देंगे। जब ये सूख जाएगा तो इसे हम निकालेंगे। ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब हम इसे पेंट करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर और इसके ऊपर वाइट पेंट करेंगे। देन मैंने इसके ऊपर ब्लू पेंट डिसाइड किया है करने के लिए एंड अंदर की तरफ मैं ये गोल्डन पेंट करूँगी। पेंट सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ब्लू बाहर की तरफ है एंड गोल्डन अंदर की तरफ है। इसी तरीके से हम एक और सीशेल बनाएंगे। अब इस शेल के अंदर रखने के लिए हम जो मोती बनाएंगे उसके लिए एक बलून फुलाएंगे और उसको टेप की मदद से इस तरीके से ग्लास के ऊपर चिपका देंगे। अब इसके ऊपर भी हम ग्लू सॉल्यूशन में डुबाकर टिश्यू पेपर की लेयर्स लगाएंगे। जो सी शेल बनाया था हमने उसके लिए न्यूज़पेपर की एटलीस्ट 3 to 4 लेयर्स लगाइए ताकि वो मोटा हो और स्टेबल हो। और इस पर्ल के ऊपर भी हम इसी तरीके से टिश्यू पेपर की कुछ 3 से 4 लेयर्स लगाएंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे। जब ये सूख जाएगा तो ये हमारा मोती तैयार है। अब हम यहाँ से इसको अलग कर लेंगे। अब हम इसके अंदर इसके ये जो साइड्स हैं इसको हम कट कर लेंगे और इसके अंदर बल्ब फिक्स करेंगे।
इस पर्ल के सरफेस को शाइनी बनाने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा सिल्वर ग्लिटर लगा देंगे। इसकी पूरी सरफेस को हम सिल्वर ग्लिटर से कवर कर देंगे। हमारे शेल्स और पर्ल तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैंने इसे धागे की मदद से जोड़ा है। ये हमारा पर्ल है, इसके अंदर अब हम ये बल्ब फिक्स करेंगे और इसे यहाँ पर इस तरीके से सेट करेंगे, और जब ये बंद हो जाएगा तो ये एक सी शेल की तरह लगेगा। यहाँ शेल को खुला रखने के लिए ये मैंने दो स्टिक्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इनको हटा सकते हैं और शेल को बंद भी रख सकते हैं कुछ इस तरीके से।